हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और यहाँ देखिए, सुबह के टाइम मैं झाड़ू लगा के बच्चों को स्कूल भेजी पहले, उसके बाद झाड़ू लगाई और लेके बैठ गई हूँ इतना सारा कपड़ा। और एक तरफ चाय भी चढ़ा के आई हूँ किचन में। और यहाँ कपड़ा मैं सोची भिगा के रख देती हूँ, धोऊंगी नहीं अभी, अभी तो भिगा के रखूँगी, भिगा के रख दूँगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद धुलूँगी। और अभी खाना भी बनाना है बच्चों को, तो लंच दे दी थी ब्रेड वगैरह, और अभी बनाना है पति देव के लिए लंच, क्योंकि जाएंगे ऑफिस। और इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिसमें कलर निकलता है, कुछ ऐसे हैं वाइट हैं, तो अलग अलग भिगाना पड़ेगा। तो ये नवरात्र में जो मैं साड़ी पहनी थी और सूट, वो सब रखे हुए थे, मैं ऐसे उतार के रखती जा रही थी साइड साइड में। तो मैं सोची चलो आज इन लोगों को धो धोने, तो आजकल आजकल होता ही रहेगा और पड़े ही रहेंगे ऐसे। तो यहाँ मैं साड़ी अलग और सूट जो कलर वाले कपड़े हैं अलग कर रही हूँ, भिगा भिगा के रख रही हूँ। और ये वाला मेरा पिंक वाला सूट भी बहुत ज़्यादा कलर छोड़ता है, इसे भी अलग रखूंगी। और जो चुन्नी इसके साथ ली हूँ सदर से, उसमें वो तो इतना ज़्यादा कलर छोड़ रहा है कि देख के बोले कि इतना ज़्यादा कलर निकल रहा है। बोली हाँ, इससे तो बहुत ज़्यादा कलर निकल रहा है। तो बोले इसे अलग ही करना है, कपड़े में टच मत होने देना दूसरे कपड़े में, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो बोल उसे अलग ही रखी हूँ, और जो बगैर कलर के हैं उसे अलग ही रख रही हूँ। और मैं येलो जो येलो पैंट है मेरा, इसे भी मैं अलग रख रही हूँ, सोच रही हूँ इससे भी ना निकले कि सारे कपड़ा ख़राब हो जाए। तो आज हमारे घर में ही बन गया है धोबी घाट, और कल भी मैं इतना ही कपड़ा धोई हूँ और आज भी लेके बैठ गई हूँ। 2 दिन से मेरा यही हो रहा है, कपड़े ही धोने की ड्यूटी लगी हुई है, धोते जा रही हूँ फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के भी कपड़े थे, इनके भी थे शर्ट पैंट, तो ये भी बोले कि जब धो ही रही हो तो मेरा भी शर्ट पैंट धो दो। बोले ठीक है, ले आओ धो देती हूँ, क्यों सबका धो रही हूँ तो तुम्हारा भी धो देती हूँ। तो यहाँ भिगा के रख दूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। कपड़े भिगाने के बाद चाय पी के, हम दोनों चाय पिए, उसके बाद आ गई मैं किचन में। मैं सोची चलो आटा लगा के रख देती हूँ, और छोले तो मैं बना ली हूँ, सुबह ही बना ली हूँ, बच्चों को लंच दी थी तो छोले बना ली थी, बच्चों को छोले और पराठे दी हूँ। आटा शाम को लगाई थी मैं, तो बच गया था, रख दी वही आटा पराठा बना के दी हूँ। और अभी मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि छोटू गाएगा छोले के साथ रोटी दे दो तो गुस्सा करेगा, उसे चाहिए वो भटूरे। तो मैं सोच रही हूँ भटूरे ना बना के मैं पूड़ी ही बना देती हूँ अच्छे से, खस्ता वाली पूड़ी, तो खा लेगा आराम से, और इनके लिए भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा, दो खा के चले जाएंगे, बाकी लंच तो ले ही जाएंगे, लंच में पूड़ी और छोला दही। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अजवाइन, और थोड़ा सा मैं ना बेसन मिला लेती हूँ पूड़ी में, टेस्टी बनती है पूड़ी बिल्कुल। और अजवाइन, कलौंजी और तेल, नमक, थोड़ा सा बेसन मिला के मोयन दे दूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। और गुनगुने पानी से नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल पानी से ही लगाती हूँ, और गुनगुने पानी से लगाओ तो और सही रहता है, पर नॉर्मल पानी से भी लगा लो तो सही रहता है। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि नमक वगैरह जो है सब डाली हूँ उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद पानी डालूंगी इसमें। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और एक बार बना के खाना, बेसन वगैरह डाल के पूड़ी सच में बहुत टेस्टी बनती है। बेसन डाल दो और कलौंजी और अजवाइन नमक, और उसके बाद मोयम दे दो, और इतनी टेस्टी पूड़ी बनती है ना, आप चाय के साथ भी खा सकते हो।
यहाँ मैं लगा ली हूँ आटा, देखिए अच्छे से गूँथ के इसे रख दूँगी ढक के, और अभी जा रही हूँ कुछ और काम कर लूँगी, तब तक ये सेट हो जाएगा आटा हमारा, और उसके बाद पूड़ी तलूँगी। और पति देव गए हैं नहाने अभी, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, आएंगे तो तलूँगी। और ये थोड़ा सा आटा बचा था सुबह का, तो वही मैं सूंघ रही हूँ कहीं महक तो नहीं रहा है, तो महक नहीं रहा है तो मैं रख दी, दो पूड़ी हो जाएंगी उसमें भी। और किचन को साफ़ सुथरा कर दूँगी, और ये कपड़ा है धोना मुझे, तो ये मैं गीला करके एक कपड़ा रखती हूँ, जैसे कि कुछ गिरता है तो मैं उससे पोंछती जाती हूँ। और ये था उस दिन पूड़ी तली थी, तो ये थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है रिफाइंड, तो इसमें रख दी हूँ पराठा वगैरह बनाने के लिए। ज़्यादा था वो, इसे थोड़ा रहता है तो मैं फेंक देती हूँ, ज़्यादा बचा था तो रख दी हूँ। तो यहाँ पति देव गए, तो मैं जल्दी जल्दी कपड़ा धोई, सारे काम निपटा के नहा भी ली हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है बच्चों को लेने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी इनके जाने के बाद मैं बैठती भी नहीं हूँ 5 मिनट के लिए, बस जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। ये जिस दिन रहते हैं उस दिन मैं बैठती हूँ, जिस दिन ये रहते हैं नहीं बैठती हूँ, उस दिन मैं मशीन की तरह जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं पोछा लगाई, उसके बाद कपड़ा धोई जल्दी जल्दी, और नहा के आ गई। और आज बाल भी धोना था तो टाइम लगा नहाने में, और जिस दिन बाल धो लो ना इतना हल्का महसूस होता है, नहीं तो जैसे 2 दिन पे बाल ना धो गर्मियों में तो अजीब से चिपचिपा हो जाते हैं। तो मुझे 3 दिन हो गया था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं नहाई ही नहीं हूँ कई दिन से, तो आज मुझे बाल धो के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं धूप में जाती हूँ तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, और कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सिंपल सनस्क्रीन और थोड़ा सा सिंदूर, हल्की सी लिपस्टिक हो गया, यही इतना ही लगा के जाती हूँ। फिर क्या, ज़्यादा मेकअप नहीं करना, जैसे घर में रहती हूँ कभी कभार मन होता है तो कर लेती हूँ, नहीं मैं इतना ही बस यही लगाती हूँ, सनस्क्रीन और सिंदूर, हल्की सी लिपस्टिक, और कभी कभी काजल लगा लेती हूँ मन करता है, क्योंकि पति देव को काजल अच्छा लगता है तो इसलिए लगा लेती हूँ काजल। और अगर लेट हो जाएगा ना हमारे बच्चे गुस्सा करेंगे, और मैं इसलिए 5 मिनट पहले ही जाके वहाँ पहुँच जाती हूँ, अगर वो 5 मिनट के नीचे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं वो, और मैं जाके 5 मिनट इंतज़ार कर लेती हूँ, उनको मंजूर है तो इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ता है। कभी कभार पहले मैं थोड़ा लेट हो जाती थी, पर अब तो टाइम पे ही जाती हूँ, नहीं तो बहुत गुस्सा करता है छोटू, ज़्यादा ही हर्षित तो कम, छोटू ज़्यादा ही, कि मैं तो कब से आके खड़ा हूँ, वो सारे बच्चे चले जाते हैं, आप लेट आते हो, जब भी सारे बच्चे नहीं जाते, बच्चे रहते हैं काफ़ी, पर मुझे लगता है कि सारे बच्चे चले जाते हैं बस हम ही 2 रहते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम पे जाना रहता है। और ये भी बोलते हैं टाइम पे चले जाना नहीं गुस्सा करेगा, बोले ठीक है चली जाऊँगी। और इतनी धूप है कि बाहर देख के लगता है ना ही निकलो बाहर, तो ही सही है, पर क्या करूं मजबूरी है, जाना पड़ेगा, पति देव नहीं है तो हमें ही लेने जाना पड़ेगा, ऊपर से बैग लेके आओ, थक जाते हैं हम भी, थक जाते हैं बच्चे भी थक जाते हैं, तो चलिए बच्चे को लेने चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बच्चों को लेने। तो देखिए गाइस, हमारे दोनों नालायक स्कूल से आ गए हैं और दोनों मोबाइल में पड़े देखने के चक्कर में मोबाइल देख रहे हैं, हर्षी देख रहा है तो भी घुसा पड़ा है देखने के लिए, पर वो भी खा नहीं रहा है फिर भी ये देख रहा है, देखो कहाँ से देख रहा है। ये गर्मी है बाहर कि ऐसे लगता है बाहर निकलो ही ना, अंदर ही पड़े रहो एसी चला के, बस ठंडा ठंडा तरबूज खरबूजे और आइसक्रीम लस्सी पीते रहो, आम नहीं, आम ठंडा थोड़ी होता है, आम बस यही सब खाते रहो और खाना नहीं करता। कल तो हम लोग 3-3 बार आइसक्रीम खाए, घर पे भी बना रखी थी मैं आइसक्रीम और बाहर से भी लाए, न 3 बार आइसक्रीम खाए थे, एक बार तो हम लोग स्कूल से आते वक्त खाए थे, उसके बाद हम लोग घर पे आके खाना खाने के बाद खाए थे, फिर इनके पापा आ गए तो शाम को खाना खाने के बाद भी आइसक्रीम खाए थे 3-3 बार। और आज तरबूज वाला आया था, मैं सोची लूँगी, फिर लेट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा कपड़ा था धोने के लिए तो मैं नहीं गई नीचे लेने तरबूज वाले, अब शाम को फ़ोन करूँगी, शाम को आएंगे इनके पापा तो लेके आएंगे, मुझे तरबूज खाना है।
इसको नहीं पसंद है छोटे चंद को, और मुझे हर्षित को दे दे तरबूज तो हम दोनों खा लें। इसको तरबूज नहीं पसंद है ना, हमें बहुत पसंद है। और आज इतने कपड़े थे धोने के लिए, और मेरे रुक जा यार, कल मैं इनके सारे पतिदेव के सारे शर्ट धोई थी, क्योंकि मशीन में शर्ट नहीं धोते तो मैं हाथ से धोई थी, मशीन लगाए थे, खाली पैंट पैंट धो लिए थे, तो शर्ट सारे हाथ से धोई थी कल। और आज फिर मैं मेरी जो नवरात्र में साड़ी और सूट पहनी थी वो मैं नहीं धोई थी, ऐसे ही रख दी थी कि वो करूँगी धोऊंगी हाथ से, क्योंकि सूट से कलर, सूट का जो कलर है वो निकल रहा था, और जो मेरी चुन्नी थी उसका भी कलर निकल रहा था, और पेटीकोट था उसका भी कलर। मैं सोची इनको अलग अलग करके धो के हाथ से ऐसे सुखा देंगे, तो आज मैं धोने बैठी। पशुपति देव आज भी शर्ट पैंट दे दिए धो दो, फिर कलर वाले अलग भिगा के रखी, और जो वाइट थे अलग भिगा के रखी, जो इनके कपड़े थे अलग रखी, बच्चों के अलग रखी, और धोई इतने ज़्यादा हो गए, अभी सुखाई नहीं हूँ, मशीन में ड्राई में डाली हूँ अभी सुखाई नहीं हूँ। और कल हो गए इनके स्कूल के वाइट कपड़े, आज पहन के गए थे, कल भी धोने के लिए हो गए। अब मैं कल नहीं धोऊँगी, डालूंगी मशीन, 3 दिन की छुट्टी पड़ेगी, पति देव अपना मशीन लगाएंगे, मुझे मशीन नहीं लगाने का मन करता, पर अगर छुट्टी रहती है पति देव लगाते हैं, मारूंगी अगर डाला इलायची तो। इलायची क्यों निकाल रहा है? निकाला कहाँ से? कहाँ थी? यहाँ पे पड़ी थी। हाँ तो तू गिराया था। और आज मैं बनाई हूँ छोले पूरी, नमक वाली पूरी बनाई हूँ, और इनको दी थी छोले और रोटी, क्योंकि लेट हो रहा था और ये लोग लेट कर दिए थे। और वैसे तो मुझे बोलेंगे मम्मी 7:20 पे स्कूल है, और सोते रहेंगे उठाओ तो उठते नहीं, 7:20 पे कौन करता है स्कूल? हाँ तो अपने जा प्रिंसिपल मैम से बोल कि 7:20 पे कौन करता है, टाइम चेंज होगा तो ही ठीक है। और तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो, मैं कब से जाके वहाँ खड़ी थी, और छुट्टी उसी टाइम पे होती है 1:30 पे ही। तुम आ जाते हो भैया 1:30 पे ही आता है, मूर्ख बनाते हो। अब मैं कल से नहीं आऊँगी, मैं 1:30 पे आऊँगी, जाके वहीं पागल की तरह खड़े रहो। पेड़ भी था तो वो आंटी बगल वाली काट दी जिसका घर था, तो इन लोगों को स्कूल से लाए हैं, देखो कपड़े चेंज कर लिए हैं, और थोड़ी देर मैं एसी चला दी कि ये लोग ठंडा हो जाए, थोड़ा इनका दिमाग ठंडा हो जाए, क्योंकि स्कूल से आए गर्म हो गया था दिमाग इनका। तो खाना दूँ, अभी पूड़ी बनाई नहीं हूँ, आटा लगा के रख दी हूँ, थोड़ा बहुत बना के इन पतिदेव के लिए लंच दे दी हूँ, और 2-3 पूड़ी खा के गए हैं, और 2 पूड़ी मैं भी नाश्ते में ले ली थी, तो मैं नहीं बनाई कि आएंगे बच्चे तो गरम गरम बनाऊँगी। ऐसे क्यों कर रहा है, दर्द होने लगेगा, और फिर तो एक घिस के ब्रश कर लिए हैं सुबह, इनके मसूड़े जो है ना सूज गए हैं, इसीलिए दर्द। मसूड़े क्या होता है? मसूड़े ये जो ये होती है, और मेरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वहीं पे है मसूड़े ही। और आज मैं बाल धोई हूँ, और तुरंत नहा के मैं चली गई बच्चों को लेने, और मेरे बाल भी सूख गए हैं, थोड़ा थोड़ा गीले हैं, तो और सूख जाएंगे तो थोड़ा कंघी करूँ, और एसी चला दी हूँ, बिल्कुल ठंडा हो गया है रूम, बंद कर दूँ एसी घर से, थोड़ी देर और चलने तो उसके बाद चलो खाना खाओ छोटू, वो कपड़े मशीन में नहीं, शाम को ना पापा बोले हैं शाम को बना देना तहड़ी या तो पुलाव, पुलाव बना दूँगी शाम को, पुलाव छोलेंगी, हाँ पुलाव बनाओगे ना दाल मखनी, ठीक है बोल दूँगी भैया। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं पूड़ी तल रही हूँ गर्मा गर्म, और बच्चे काफ़ी देर से आए हैं, क्योंकि स्कूल से तुरंत आते हैं, तो तुरंत उनको ना पानी देती हूँ ना खाना देती हूँ, पहले मैं उनका जो स्कूल का ड्रेस है उसे चेंज करवाती हूँ, और थोड़ी देर एसी के सामने बैठाती हूँ, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद हाथ पैर धोती हैं, उसके बाद ही खाना देती हूँ तुरंत, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती धूप से आते हैं गर्मी से, और तुरंत खाना पानी पता चला खाना दे दो और तबीयत खराब हो जाए तो नहीं देती हूँ तुरंत, जब मेरी हालत ख़राब हो जाती है इतनी धूप तेज़ रहती है गर्मी,
तो यहाँ देखिए हमारे दोनों बच्चों के लिए प्लेट लग गई है, छोला और मीठी दही और पूड़ी और सिरके वाली प्याज। तो हर्षित को सिरके वाली प्याज पसंद है तो वो प्याज लिया है, और दही में जब तक चीनी न डालूँ तो दोनों खा नहीं सकते। पहले छोटू नहीं खाता था चीनी वाली, अब वो भी खाने लगा। तो इन्हें नहीं पता है कि मैं चीनी डाली हूँ। तो हर्षित बोला मम्मी चीनी डाल दो दही में, मम्मी नहीं डालना मुझे चीनी। और जब भी मैं पहले चीनी डाल के उसके बाद दही डाली हूँ तो मुँह बना लिया। और देखिए खाते ही कैसे सो गए दोनों भाई, आराम से थक जाते हैं और इतनी दूर स्कूल जाना आना, और फिर तीसरी मंजिल पे इनका क्लास है, इतने वजन बैग लेके चढ़ना ऊपर, और देखो टाइम अभी तक उठे नहीं हैं दोनों। और उठते ही फिर बीच में मैं अपना काम करी, बर्तन वगैरह धोई, जैसे ही उठे दोनों तो दोनों के लिए मैं केला काट के दे दी हूँ, तो दोनों भाई खा रहे हैं एक साथ। और मैं चाट मसाला डालने के लिए भूल गई हूँ, तो मुंह बना रखा है अर्षित, और बोल रहा मम्मी चाट मसाला डाल दो। मैं बोली ठीक है, तो बोलना चाहिए कि मम्मी चाट मसाला डाल दो, मैं भूल गई थी। तो बोला हाँ ले आओ डाल दो। तो यहाँ मैं चाट मसाला ले आई हूँ, डाल दे रही हूँ, क्योंकि चाट मसाला डाल के दे दो ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, खट्टा खट्टा हल्का खट्टा और तीखा रहता है। तो चाहे एप्पल में काट के डाल दो, किसी में भी डाल दो, आराम से खा लेते हैं। तो मैं यहाँ चाट मसाला डाल के दे दी हूँ। और ये देखिए शाम को पति देव आए थे तो हम तीनों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे, तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।